नमस्कार दोस्तों, भारत एक आस्था प्रधान देश है। भारतीय लोगों का ईश्वर में अटूट विश्वास है। भारत में मौजूद असंख्य मंदिर इसका प्रमाण है। यह मंदिर देवी देवताओं से संबंधित हैं, साथ ही भगवान शिव के गले का आभूषण कहे जाने वाले नाग देवता के मंदिर भी देश के कोने कोने में स्थित हैं। नाग पूजा की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। भारत में नाग को देवता मानते हुए इसकी पूजा की जाती है। आज हम आपको एक ऐसे नाग मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जो साल में केवल एक बार ही खुलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में नाग देवता खुद मौजूद हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर। नाग चंद्रेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर के कपाट भक्तों के लिए साल में केवल एक बार ही नाग पंचमी के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में रहते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 1050 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाद में 1732 में सिंधिया घराने के महाराजा रानोजी सिंधिया ने प्राचीन महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और साथ ही नाग चंद्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो गया। मंदिर में स्थापित है शिव पार्वती की अद्भुत मूर्ति। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती की अद्भुत मूर्ति स्थापित है जो 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस अद्भुत मूर्ति में फन फैलाए हुए नाग के आसन पर भगवान शिव और देवी पार्वती विराजमान हैं। साथ इस मूर्ति में भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ गणेश जी के दर्शन भी होते हैं। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव सर्पशैया पर विराजमान हैं। अन्य मंदिरों में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि इस अद्भुत मूर्ति को नेपाल से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। शिव शक्ति का साकार रूप यह मूर्ति मराठा कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। नागराज तक्षक ने की थी तपस्या। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मनाने के लिए नागराज तक्षक ने घोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नागराज तक्षक को अमर रहने का वरदान दिया था। मान्यता है कि इसके बाद नागराज तक्षक ने भगवान शिव के पास ही निवास कर लिया और साथ ही नागराज की यह मंशा थी कि उसके एकांत में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। इसके बाद से ही सदियों से यह प्रथा निरंतर जारी है। नागराज के सम्मान में यह मंदिर सारा साल बंद रहता है और केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। दर्शन करने से होता है काल सर्प दोष दूर। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने से इंसान काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। नाग पंचमी के दिन दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। नाग पंचमी पर ही खुलते हैं मंदिर के कपाट। हर साल नाग पंचमी के अवसर पर एक बार ही नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट रात 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक खुलते हैं। इस मंदिर में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के महंतों द्वारा पूजा की जाती है। इसके बाद स्थानीय कलेक्टर द्वारा मंदिर में सरकारी पूजा की जाती है। सरकारी पूजा की परंपरा राजाओं के समय से चली आ रही है। सो दोस्तों, यह थी नाग चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।